हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरेंद्र शर्मा आप सभी का मेरे इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को यथा योग्य अभिवादन। दोस्तों, हम सभी हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे कारक की परिभाषा और कारक के भेद। कारक के बारे में आज हम बात करेंगे, इसके बारे में समझेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, आप में से अगर किसी दोस्त ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप आखिरी तक देखें। अंत में कारक की जो विभक्तियाँ हैं उनको याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक भी इसमें बताई है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कारक की परिभाषा की। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो, उनका संबंध जाना जाता हो, उसे हम कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में कारक अर्थात संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ होने का सीधा संबंध बताने वाला कारक कहलाता है। यानी संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ किस प्रकार से संबंध है, ये जो चिन्ह बताते हैं, जो विभक्ति बताते हैं, उन्हें हम कारक कहते हैं। एक उदाहरण से आप समझ लें। श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, एक वाक्य है। इस वाक्य में ने, मैं, को, का, ये कारक चिन्ह हैं। श्री कृष्ण ने कारक चिन्ह है। युद्ध भूमि में कारक चिन्ह है। अर्जुन को कारक चिन्ह है। गीता का यहाँ पर कारक चिन्ह है। कारक के चिन्ह को हम विभक्ति कहते हैं और इसे परसर्ग भी कहते हैं। ने, मैं, को, का, ये सभी विभक्तियाँ कहलाती है, परसर्ग भी कहलाते हैं। विभक्ति युक्त जो शब्द होते हैं वो यहाँ पर पद कहलाते हैं। विभक्ति युक्त शब्द, जैसे श्री कृष्ण ने, यह एक पद है क्योंकि इसमें संज्ञा के साथ विभक्ति जुड़ी हुई है, तो ये एक पद है। अर्जुन को, यह एक पद है। अब दोस्तों, हम कारक के भेद के बारे में बात करते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। सभी में अलग अलग चिन्ह प्रयुक्त होते हैं। इन चिन्हों को हम कारक की विभक्ति कहते हैं। हिंदी में कारकों की संख्या 8 है। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवा अधिकरण कारक और आठवा संबोधन कारक। ये कारकों के 8 भेद हैं। अब हम इन भेद के बारे में बात करते हैं। पहला है कर्ता कारक। इस कारक की विभक्ति यानी इसका चिन्ह है ने। ने का अर्थ है काम करने वाला। उदाहरण, राम ने लिखा यानी लिखने वाला कौन है? राम। तो यहाँ ने कर्ता कारक है। दूसरा कारक है कर्म। इसकी विभक्ति है को यानी जिस पर काम का प्रभाव पड़े। जैसे उदाहरण लें, सुरेश ने बच्चे को पीटा,
बच्चे को, तो यहाँ कर्म कारक है। तीसरा कारक है करण, इसकी विभक्ति है से द्वारा, यानी जिसके द्वारा कर्ता काम करे। उदाहरण लेते हैं इसमें, राम पेन से लिखता है, यानी राम लिखता है किससे, पेन से, तो यहाँ पर से करण कारक हुआ। अगला कारक है संप्रदान कारक, इसकी विभक्ति है को के लिए, जिसका अर्थ है जिसके लिए क्रिया की जाए। इससे उदाहरण से आप समझें, अशोक के लिए आम ला दो, अशोक के लिए यानी जिसके लिए क्रिया की जाए, तो अशोक के लिए यहाँ पर संप्रदान कारक है। अगला है अपादान कारक, इसकी विभक्ति भी है से। देखिए, करण कारक की विभक्ति भी से है, अपादान कारक की विभक्ति भी से है, लेकिन वहाँ से का मतलब है द्वारा, और अपादान कारक में जो विभक्ति से है, इसका अर्थ है से का मतलब अलग होना, बिखराव होना, अलगाव होना। उदाहरण देखें आप, पेड़ से फल गिरा, यानी पेड़ से फल अलग हो गया, तो यहाँ से अपादान कारक होगा। अगला कारक है संबंध कारक, यानी पदों का आपस में संबंध बताने वाली इसमें विभक्तियाँ आती है, का की के ना नी ने रा री रे। जैसे मीना का घर दूर है, मीना का घर, मोहन का पेन, संबंध, पेन किसका, मोहन का, तो यहाँ का संबंध कारक हुआ। सातवां कारक है अधिकरण कारक, इसकी विभक्ति है मैं पर, जिसका अर्थ है क्रिया का आधार। उदाहरण से समझें आप, सुरेश में बड़े गुण हैं, मैं सुरेश में, सुरेश के अंदर बड़े गुण हैं, तो ये यहाँ पर मैं अधिकरण कारक हुआ। और अंतिम कारक है, आठवां कारक है संबोधन कारक, इसकी विभक्ति है हे अरे, ये कारक किसी को पुकारने बुलाने इस प्रकार के वाक्यों में उपयोग में आता है, जैसे हे भगवान, ये भगवान से पहले हे आता है, तो ये संबोधन कारक है। अरे सुरेश कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ अरे संबोधन कारक है। संबोधन कारक में जो इसकी विभक्तियाँ है वो प्रायः शब्द से पहले आती है। तो दोस्तों, कारक और इनकी विभक्तियाँ उदाहरण सहित आपने समझी। अब मैं आपको एक दोहा बताता हूँ, एक ट्रिक है जिनसे इन आठों जो कारक हैं इनकी विभक्तियों को याद रखा जाता है। कारक की विभक्तियों को याद रखने के लिए ये एक छोटा सा दोहा है, इसे आप याद कर लें तो आपको सारे कारक उनकी विभक्तियां अच्छे से याद रहेंगी। कर्ता ने अरु कर्म को करण रीति से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, का के की संबंध है अधिकरण में मान, रे हे हो संबोधन मित्र धरहु यह ध्यान। इस दोहे में सारे कारक आ रहे हैं, सभी विभक्तियां आ रही है, कर्ता ने, फिर कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में, और संबोधन की विभक्तियां रे हे अरे हो।
दोस्तों ये चार पंक्तियां हैं, छोटी सी रचना एक दोहे के रूप में, इसे आप याद कर लें, आपको सारे कारक के नाम और उनकी विभक्तियां याद हो जाएगी। अब जो विशेष बात है, कर्ता से लेकर के अधिकरण तक कारक जो सात कारक हैं, इनमें जो विभक्ति है, चिन्ह जो है, परसर्ग जो है, वो शब्द के बाद में आते हैं, शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। लेकिन संबोधन कारक की जो विभक्ति है, जो चिन्ह है इसका, वो प्रायः शब्द से पहले लगाया जाता है। ये ध्यान रखने की बात है। तो दोस्तों आप कारक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, इसके भेद, इसकी विभक्तियाँ अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार मैं कारक की परिभाषा को पुनः रिपीट कर देता हूँ। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्द से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि कारक किसे कहते हैं। आप मेरी इस वीडियो को सभी विद्यार्थियों के साथ शेयर ज़रूर करें, मेरी वीडियो को आप लाइक करें और मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी दें। धन्यवाद दोस्तों।